बिहार की राजधानी पटना से सटे दानापुर स्थित जमसौत मुसहरी गांव में माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स की एक बेटी रहती है। दरअसल 11 साल की रानी कुमारी को एक दशक पहले उसके गांव आए बिल गेट्स दंपति ने गोद में लेकर बेटी की तरह बताते हुए प्यार किया था। तब रानी महज 1 साल की थी, मगर आज बिल गेट्स की यह बेटी और उसका पूरा परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। एक रिपोर्ट। का नाम है रानी कुमारी। इसकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं और इसके बड़े सपनों को पूरा करने का बीड़ा उठाया था दुनिया की सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स ने, जो इस लड़की के धर्म पिता बने। दानापुर के जमसौत निवासी रानी कुमारी अब 11 साल की हो चुकी है। रानी की मां कुंती देवी को आज भी वह दिन याद है जब उनकी नन्ही सी बेटी रानी को गेट्स दंपति ने गोद लिया था और उन्हें अपनी बेटी की तरह बताते हुए प्यार किया था। मगर सपने केवल सपने बनकर रह गए। ना बिल गेट्स वापस आए और न ही उनके किए वादे कभी पूरे हुए। गोद लिया या मेरा के आदमी आया तो वे गोद लिया, जब घर से आदमी नहीं आ रहा है, जब आते हैं तब माइक ने बुलवाते हैं कि कुछ मिला है, तो कुछ नहीं मिला है। कितना बरस के उम्र हलवो बच्ची के तब गोद लो? छोटा हाने ने। कितना बरस? या तो 6-7 महीना ऐसे हो रहा है। का बोला था वो लोग? का तो यथी ने बोला हल्थी ना तो ना समझने लेना। ये बोले हैं तुम पढ़ावे लिखावे ला? हाँ पढ़ा लिखा ला बोल रहा है, नहीं पैसा कौड़ी है तो कहाँ से पढ़ाएगी, गरीब आदमी कहाँ से पढ़ाएगी। रानी को शायद कुछ नहीं पता और पूछे जाने पर सिर्फ मुस्कुराकर रह जाती है। गांव के ही लोग बताते हैं कि 23 मार्च 2011 को बिल गेट्स अपनी पत्नी के साथ हमारे गांव आए थे और गांव के विकास की बात भी कही थी, लेकिन यहाँ से जाने के बाद सारी बातें बेमानी हो गई। पैसे की तंगी की वजह से रानी स्कूल नहीं जा पा रही। रानी और उसका परिवार आज आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। क्यों आए थे? सर मेरी जानकारी के अनुसार यहाँ पर अमेरिका के बिल गेट्स से उनकी पत्नी आई थी और उनका मकसद था कि इस गांव को अडॉप्ट कर लिया जाए, गोद ले लिया जाए और यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाए और इसके साथ ही यहाँ पर हॉस्पिटल भी बनवाया जाए। हमारे गांव की सर्जन की बेटी जिसका नाम है रानी, उसको भी अपने गोद में बैठा कर नीम के पास हम लोग सभी थे, उन्हें साफ तौर पे कहे थे कि हाँ कि ये मेरी बेटी है और मैं इनको गोद लेता हूँ, आज से ये मेरी बेटी है और इसको जितना पढ़ना है उसकी पूरी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। यह सिर्फ रानी की ही कहानी नहीं है बल्कि इस गांव के अधिकांश लोग निरक्षर हैं। नई पीढ़ी के लिए एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय और एक आंगनबाड़ी केंद्र है, मगर विकास कोसों दूर है। बिल गेट्स के इंतजार में बैठी यह रानी और गांव वाले समझ चुके हैं अब इनकी सुध लेने न बिल गेट्स आएंगे और न ही कोई सरकार। नेशन न्यूज के लिए पंकज राज के साथ मंजुल मंजरी।